करेंगे एक बड़ी खबर का जो लखनऊ से मिल रही है। वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चौक थाने में रिजवी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है। मौलाना कल्बे जवाद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि विवादित किताब को लेकर वसीम पर मामला दर्ज किया गया है और कई धाराओं में वसीम रिजवी पर केस दर्ज किया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस किताब को लेकर लगातार विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। पहले भी मांग की गई थी एफआईआर दर्ज करने को लेकर, लेकिन अब वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चौक थाने में रिजवी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है और साथ ही आपको बता दें कि मौलाना कल्बे जवाद की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कई सारी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि किताब के जरिए गलत जानकारी साझा करने की भी बात कही गई थी, जिसके चलते जो लोगों में आक्रोश था वो भी बढ़ता जा रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता रामानुज जुड़ गए हैं। रामानुज, वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए मंदीप, अगर बात की जाए तो 153A और 292, 295A, 504 और 505(2) और 67 जो है ये संशोधन के लिए दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से वसीम रिजवी लगातार जो है बयान दे रहे थे, लगातार जिस तरीके से पूरे कुरान शरीफ की बात की जाए या फिर जिस तरीके से जो उनके पैगंबर साहब हैं मोहम्मद साहब, उनके लिए जो बयान दे रहे थे उसको लेकर यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। और लगातार इसमें साफ लिखा हुआ है इस एफआईआर के अंदर कि किस तरीके से वो लोगों को बरगला रहे हैं, किस तरीके से लोगों से झूठ बोल रहे हैं, किस तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें रखी गई हैं इस एफआईआर के अंदर जो है एप्लीकेंट ने लिखी है, ताकि वसीम रिजवी को जो है हर तरफ से घेरा जा सके। और वसीम रिजवी जिस तरीके से बयान दे रहे थे उसको लेकर जो है ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। और ऐसे में अब वसीम रिजवी की जो मुश्किलें हैं वो तेजी से बढ़ सकती हैं। जी वाकई में रामानुज, मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन क्या अपनी सफाई में अभी तक वसीम रिजवी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए अमनदीप, अभी तक जो है वसीम रिजवी से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि इस एफआईआर को लेकर उन्होंने कोई बयान दिया हो। लेकिन ये साफ है कि लगातार वसीम रिजवी अपने इन बयानों से चर्चा में रहे हैं और इस तरीके के बयानों के बाद लगातार जो उलेमा है और जो तमाम मौलवी हैं वो लगातार वसीम रिजवी का विरोध कर रहे हैं। और इसमें अब अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा था कि वफ का जो है एक बार फिर चेयरमैन बनने की कोशिश है वसीम रिजवी की, लेकिन वो मामला भी कहीं ना कहीं कोर्ट में चला गया है। और इस तरीके की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर तमाम जो उलेमाए हैं और तमाम जो वफ के मेम्बर हैं वो भी कहीं ना कहीं वसीम रिजवी के विरोध में और लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश और देश के तमाम अन्य हिस्सों में भी कहीं ना कहीं इसका जो है खासा असर देखने को मिल रहा है। और लगातार इनकी निंदा जो है हर तरफ से निंदा की जा रही है तमाम मौलाना के द्वारा। जी रामानुज, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक किताब को लेकर काफी विवाद हुआ था, सियासत भी हुई थी उसके बाद में, अब ये एक और विवाद किताब को लेकर देखा जा रहा है। क्या सियासत जैसी स्थिति भी देखी जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष है, वो कोई भी मौका भुनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो क्या कोई राजनेता की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? देखिए अमनदीप, अगर बात की जाए अभी ये मामला जो है तमाम मेंबर का है, तमाम उन जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका है। और लगातार जिस तरीके से उनकी किताब के अंदर जो विवादित चीज़ें थी उसको लेकर पहले भी जो है उनके ऊपर शिकायत की जा चुकी है। और ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, कोई भी इस पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में कहीं पहले कि तमाम और समीकरण है वो बिगड़ जाए। और ऐसे में चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो या और राजनीतिक दल, कोई भी इस पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। मामला सिर्फ वसीम रिजवी तक ही सीमित है और वसीम रिजवी जिस तरीके से अब
कोर्ट के अंदर जो बयान देंगे, किस तरीके से वो अपना बचाव करेंगे, किस तरीके से, ये अब आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं तमाम FIR तमाम शिकायतों से वसीम रिजवी की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। अमनदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रामानुज आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।